भू माफियाओं पर होगी कड़ी कार्रवाई। जनपद संवाद कार्यक्रम में नारनौल से एक महिला ने, जिसका नाम सावित्री संगी है, ने बताया कि भू माफियाओं द्वारा उनकी जगह पर कब्जा किए जाने की बात कही। महिला ने शिकायत की कि वह भू माफिया किसी पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा नेता है, जिसके कारण उसकी शिकायत पर तेजी से कार्रवाई नहीं हो रही है। पर इस मुख्यमंत्री ने एसपी साहब को आदेश दिए हैं कि कोई उनका भाई हो, साथी हो, अगर वह गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गलत कार्य इस सरकार में किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जा रहे हैं। उनकी उन पर कब्जा कर लेते हैं और उनको या तो कम रेट में खरीदते हैं या फिर वो बहन बेटियों को परदेशी होती है। देखिए श्रीमान जी, बहन बेटियों के आपने जैसे ये नारा मोदी जी ने शुरू किया है कि बेटियां बचेंगी तो देश बचेगा, लेकिन बेटियों के नाम हम जमीन भी कर देते हैं, प्लॉट्स भी कर देते हैं, लेकिन उनको परदेशी समझकर अगर भू माफिया उन पर कब्जा कर लेते हैं तो उसका क्या इलाज है? बहन जी, अगर कोई आपके पास ऐसे कोई उदाहरण हो, मेरी पर्सनल समस्या है, तो ऐसा करो, आपने कोई FIR वगैरह कराई है? मैंने FIR बाहर भी करवाई है और मैंने तो 5 महीने हो गए सारे विभागों के मेरे को तो चक्कर काटते हुए, लेकिन वो अपने आप को आपकी जो पार्टी है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। ये क्या है इनकी FIR बताओ श्रीमान जी। एक मिनट में लूंगी। SP साहब बहुत अच्छे हैं, यहाँ पर उन्होंने महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा कार्यक्रम, अवैध हथियार भी वसूल किए हैं, जो क्राइम है उसको भी कम किए हैं, लेकिन वो अपने आप को एक राजनीतिक पार्टी का सदस्य बताता है और वो पूरे पूरे विभाग को गुमराह कर रहा है, पूरे प्रशासन को गुमराह करके करो। आपने आज खुले दरबार में बात कही है, अब एक बार इनको बताने दो, फिर मेरे संज्ञान में आया मैं उसको देखूंगा। देखिए हम लोग कुछ चीज संज्ञान में आ जाए, जब तक नहीं आया तो हम क्या करेंगे? आने के बाद तो मैं आपको कल का किस्सा बताता हूँ। कल गोदबड़ावा में एक तो महिला बहन खड़ी हुई, उन्होंने कहा कि हमको जो राशन वाला है ना 5 किलो के बजाय 4 किलो राशन देता है, लिखता 5 किलो और धमकाता भी है। अब उसके बारे में जो हमें सुना तो मैंने तुरंत हमारे EDG से ID साथ हमारे घर का छापा मारवा, 1 घंटे में छापा मार दिया, 315 किलो चीनी उसके वहां पर ज्यादा मिली, जो मिलने चाहिए थे 315 किलो ज्यादा मिली, तुरंत गिरफ्तार किया है और मैंने आज ही इस वे ऑर्डर कर दिया कि इसका डिपो कैंसिल कर दो। मैं कहता हूँ हम जानकारी मिल जाए कि ये समस्या यहाँ है तब तो हम चुप करा लेंगे। कई बार लोग जो है अपना ठीक है सहते भी रहते हैं, जानकारी भी देते हैं, हमारी समस्या वो है। आप लोग पुलिस में सर जानकारी दो, मानो कहीं देरी हो रही है पुलिस के नहीं छोड़ते हैं तो अपने विधायक मंत्री हैं इनको दो, हमारे पास पहुंचेगी, हम फिर वहीं से डायरेक्शन देंगे कि इसका ही काम करना है। बताइए क्या हुआ सर? इनका 172 नंबर मुकदमा दर्ज है।